यदि आपको भी प्रोटीन के तरफ से कुछ इस तरीके से ईमेल आ चुका है मंथली ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट, तो आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे ना तो आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगा कि ये आपका स्टेटमेंट रिसीव हुआ है जो कि प्रोटीन एनपीएस स्टेटमेंट की तरफ से रिसीव हुआ है। और सबसे नीचे की साइड जाएंगे ना तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल। जी फ्रेंड्स, ये ही आपका स्टेटमेंट है। आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। अब डाउनलोड करके ओपन करें या फिर डायरेक्ट ओपन करें, यहाँ पे आपको एक पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा क्योंकि ये फाइल हमेशा पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहती है। अब इसमें आपको पासवर्ड क्या डालना है, देखिए फ्रेंड्स 8 कैरेक्टर्स का टोटल पासवर्ड आपको एंटर करना होता है जो कि आपके 4 लेटर्स तो आपके नेम से एंटर करना होता है शुरुआत के, और बाकी का 4 लेटर्स है वो आपके डेट ऑफ बर्थ से आता है। अब आपके नेम का जो भी 4 लेटर है ना वो स्मॉल लेटर में एंटर करते हैं। मान लीजिए कि आपका नाम अंकिता वर्मा है तो आप शुरू के लेटर्स ले लेंगे ANKI, और उसके बाद से जो डेट ऑफ बर्थ से लेना है ना वो लेना है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 3 मई 1980, तो आपको 1980 नहीं यहाँ पे एंटर करना है, इसे क्रॉस कर देना है, आपको केवल और केवल डेट और मंथ एंटर करना है। तो अब इनके केस में 03 और 05 आ जाएगा, और ये जो 4 लेटर्स हैं ये ऐड करने के बाद टोटल 8 कैरेक्टर्स हो जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एंटर कर लिया है पासवर्ड और यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये पीडीएफ फाइल कुछ इस तरीके से ओपन होकर के आ चुके हैं, पूरी तरीके से स्टेटमेंट हम देख पा रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, उनके केस में जिनका नेम केवल और केवल 3 अक्षर का है यानी कि 4 अक्षर का नहीं है, उनके केस में क्या होगा। तो देखिए, अगर आपके केस में 3 अक्षर का नाम है या फिर उससे कम का है तो इसके लिए आपको अपने नेम के आगे 9 ऐड कर लेना है। अब मान लीजिए किसी का नाम अनु कुमारी है या फिर उमा कुमारी है, उमा भारती है, तो आपके केस में हो जाएगा 9 ANU और आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसके बाद से अगर उमा नाम है आपका तो आपका जो भी नेम है उसके आगे एक 9 ऐड कर देना है, 9 UMA 4 अक्षर हो गए आपके, उसके बाद से आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कि आपका 1 जनवरी 1980 है तो अब 1980 को क्रॉस कर देंगे, 0101 लास्ट में ऐड कर लेंगे, यानी कि आपका पूरा पासवर्ड बनेगा 9 ANU 0101 या फिर भारती के केस में, उमा भारती केस में 9 UMA डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा 0101। अब उनके केस में जिनका 3 से भी कम लेटर्स का नाम है, जैसे कि ओम प्रकाश कुशवाहा, अब ओम प्रकाश कुशवाहा में आप देख सकते हैं शुरू के जो भी अक्षर है ना वो 2 अक्षर के ही है, तो अब इस केस में आपको करना क्या है, 99 ऐड कर लेना है, यानी कि इनके केस में इनका पासवर्ड होगा 99 OM और इनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में मान लीजिए कि इनका 1 दिसंबर 1980 है, इनका जो पासवर्ड होगा वो 99 OM 0112। तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये छोटी सी एक वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। एनपीएस रिलेटेड मैंने काफी सारी वीडियोज बनाए हुए हैं जो कि काफी हेल्पफुल है आपके लिए, एक बार उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मैं दे दूंगा। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो आप अपने दोस्त मित्रों के साथ भी इस वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी भी सहायता हो सकती है। इसी साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।